आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर नाश्ता है जो बहुत ही ज़्यादा क्विक बन जाता है और बच्चे बड़े सभी चाव लेकर खाएंगे। इसे आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में या लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बहुत सारी सब्जियाँ हमने डाली है जिससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और एक पौष्टिक खाना वो अपने लंच बॉक्स में लेकर जा सकते हैं। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, इसे बच्चे बड़े सभी मांग मांग कर खाना पसंद करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट से बनने वाले सूजी के पैनकेक। इसके लिए मैंने 2 कटोरी सूजी लिया है, जो मोटी वाली सूजी आती है ना वही यूज़ किया है। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी दही, थोड़ा सा डालेंगे हम पानी और इसका एक पतला घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे आप एक तरह के सूजी का चीला भी कह सकते हैं, लेकिन जो सूजी का चीला होता है वो पतला बनता है और ये हम पैनकेक बना रहे हैं तो हल्का हम इसे मोटा रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 20 मिनट तक रेस्ट करवा दिया है जिससे सूजी बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगी और हमारे पैनकेक भी बहुत ही फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना पतला घोल आपको बनाकर तैयार करना है। अब हम इसमें एक स्पेशल तड़का लगाएंगे। तो पोहा खाने वाली चम्मच से 3 चम्मच तेल लेंगे। इसमें थोड़ा सा हींग, राई, जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाएंगे हम। इस तड़के को गर्म ही हमारे घोल में हम डाल देंगे। तड़का डालने से हमारे जो पैनकेक बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे बारीक कटी हुई, तो आपकी पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी धनिया, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च के टुकड़े डाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पालक और लौकी को भी बारीक काट के या फिर उसे ग्रेट करके डाल सकते हैं। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाला है। यदि आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ हरी मिर्च के टुकड़े आप स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इस घोल में हम 1/2 चम्मच के बराबर इनो डालेंगे। इनो को थोड़ा सा पानी डाल के एक्टिव करेंगे और अच्छी तरह से हमारे घोल में मिला लेंगे। यदि आपके पास इनो नहीं है तो आप जो खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा, वो भी 1 पिंच डाल सकते हैं। इस घोल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा घोल कितना अच्छा दिख रहा है। मैं यहाँ पर हल्दी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, बट बिना हल्दी के बहुत ही अच्छे दिखते हैं ये। तो अब हमने एक जो छोटी वाली फ्राई पैन मैंने लिया है उसे हम अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे। उसके ऊपर थोड़े से राई के दाने डाल देते हैं। राई के दाने हल्के से बजने लग जाएंगे तब हम इस पे घोल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ी चम्मच से 2 बड़े चम्मच घोल लिया है। हम इसे हल्का मोटा ही रखेंगे, बस हल्का सा आपको इसे फैलाना रहेगा। और अब हम इसे ढक कर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप चाहे तो इसे ओपन में भी पका सकते हैं, लेकिन ढक कर पकाने से ये सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितनी अच्छी तरह से पक गया है, बिल्कुल सूख गया है ऊपर से। तो अब हम इस पर ऑयल लगा देंगे और इसे हम पलट देंगे। हमने नीचे तेल अच्छी तरह से लगाया था तो ये आसानी से निकल जाता है। आप चाहे तो जो नॉर्मल तवा रहता है उस पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, आसानी से बन जाता है। तो दोनों साइड हम इसे 2-2 मिनट पका लेंगे। तो ये हमारा टेस्टी एंड यम्मी सूजी का पैनकेक बनकर तैयार हो गया है। आप इसे टोमेटो सॉस, शेजवान चटनी और मेयोनीज के मिक्सअप के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को भी टोमेटो सॉस और मेयोनीज के मिक्सअप के साथ दें। लंच बॉक्स में इस तरह से कट करके आप दे सकते हैं, बहुत ही टेस्ट लेकर वो खाएंगे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से भी कितने अच्छी तरह से पका है। जो हमने तड़का लगाया था ना उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमारे यहाँ तो हफ्ते में 2 से 3 बार यह बन ही जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे ब्रेकफास्ट में बना लीजिए और लंच में भी हम खा सकते हैं। तो यदि आपको यह इंस्टेंट ब्रेकफास्ट की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।